हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। लाइट पर्पल ब्राउन ग्लिटरी सी आईज हैं जो आप कैरी कर सकते हैं किसी भी अपने पर्पल आउटफिट के साथ। चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। पहले जी स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने से आधा घंटा पहले ही आपने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। एंड माय स्किन इज़ डूइंग सो बैड दीज डेज, बहुत दाने हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी ये मिस्टोस का पर्ल प्राइमर। ये आपके गड्ढों को, आपके पोर्स को बहुत अच्छे से फिल इन कर देता है। इसको आप स्पेशली अपनी टी जोन पर अप्लाई करें क्योंकि मोस्टली लोगों को टी जोन पर ही ज़्यादा पोर्स होते हैं। और इसको हम मसाज कर देंगे पूरे फेस पे, फिर हम 2 मिनट के लिए वेट करेंगे और अगला स्टेप करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टोस का ये कंसीलर, ये 05 शेड के अंदर है, स्टिक कंसीलर है, बहुत थिक कंसिस्टेंसी है। इसको मैं अपनी फाउंडेशन लगाने से पहले डार्क सर्कल्स को अच्छे तरीके से कवर करने के लिए यूज़ करूँगी। जहाँ जहाँ पे आपको स्कारिंग है, पिगमेंटेशन है और माउथ वाला एरिया भी मोस्टली डार्क होता है, वहाँ पे अप्लाई करूँगी। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी मिस्टोस की फाउंडेशन। ये है जी शेड फेयर। अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह का है तो आपके लिए परफेक्ट शेड है। इसके मैं ऑलमोस्ट 2 पंप ले रही हूँ और इसको मैं हमेशा की तरह अपने पूरे फेस पे सबसे पहले तो डॉट कर लूँगी और उसके बाद हम इसको किसी भी बफिंग ब्रश के साथ अपनी स्किन के अंदर अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। मिस्टोस का कंसीलर है इन शेड आइवरी 6। हमें इसे अपनी अंडर आइज़ को, नोज़ वाले एरिया को और जितने भी हाई पॉइंट्स हैं उस पर अप्लाई कर देंगे और उसके बाद हम इसको एक डेंस ब्रश के साथ ब्लेंड आउट करेंगे। ब्रश से ब्लेंड करने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। मिस्टोस का ब्लेंडर है, इसको हम हल्का सा गीला करेंगे फेशियल मिस्ट के साथ। आप रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, रोज वाटर नहीं है तो पानी के साथ आप इसको गीला करके अपनी फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने फेस को सेट करेंगे मिस्टोस के ही इस कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। शेड है जी इसका 01। मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे अपनी अंडर आइज़ को क्योंकि अंडर आइज़ पे सबसे पहले हमने स्टिक कंसीलर लगाया, उसके बाद हम लोगों ने फाउंडेशन लगाई, उसके बाद हम लोगों ने हाईलाइट करने के लिए कंसीलर लगाया। तो क्रीजिंग हो सकती है, उससे बचने के लिए आप इसको सेट कर लें अच्छे तरीके से तो बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद मैं एक बड़ा ब्रश लूँगी, अपने पूरे फेस को सेट करूँगी इसी कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ। फिर बारी आती है जी फेस को ब्रॉन्ज करने की। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टोस का ही ब्रॉन्जर इन शेड 02। इसके अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, बहुत शाइनी है, शिमरी सा है और बहुत ही एक्सट्रीम वाला पिगमेंटेड है। भर भर के मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फेस मेरा बिल्कुल कैनवस की तरह चिट्टा हो गया था, तो इसको थोड़ी सी डेप्थ देने के लिए, अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने अपनी जॉ लाइन को, चीक बोन्स को, फॉरहेड को अच्छे तरीके से ब्रॉन्ज कर लिया। और ये ब्रॉन्जर बहुत अच्छा है स्पेशली एशियन स्किन टोन्स के लिए। ब्रॉन्जिंग हो गई जी, उसके बाद हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप करने से पहले मैं ये 10 नंबर के अंदर लूज पाउडर है मिस्टोस का, इसको अपनी अंडर आइज पे अप्लाई कर लूँगी। क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि आई मेकअप करते हुए जितना भी पिगमेंट गिरे वो इसी के ऊपर गिरे और हमारा जो कंसीलर है या फाउंडेशन है वो ख़राब नहीं हो। अब चलते हैं जी इस आई शेडो पैलेट की तरफ, आई मेकअप की तरफ। और ये मिस्टोस का ही आई शेडो पैलेट है, इसके अंदर एवरीडे यूज़ के लिए सारे के सारे शेड्स बहुत बेस्ट हैं। सबसे पहले मैं ये लाइट पीच सा और ये लाइट ब्राउन सा शेड लूँगी और इससे मैं अपनी क्रीज को अच्छे तरीके से डिफाइन कर लूँगी। और ब्लेंडिंग आप लोगों ने करते जाना है, जितनी ज़्यादा ब्लेंडिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा मेकअप होगा। उसके बाद मैं ये पर्पल सा, लाइट पर्पल सा एक फ्लैट ब्रश के ऊपर आई शेडो ले रही हूँ और इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पर। फिर एक फ्लफ़ी ब्रश लूँगी और इसको ब्लेंड आउट कर दूँगी क्रीज के अंदर और आउटर कॉर्नर पर इस तरह से राउंड एंड राउंड मोशन में। फिर हम लेंगे जी फ्लैट ब्रश पे ये वाला शेड, ये डार्क पर्पल सा शेड है। आपको लाइटिंग के अंदर थोड़ा ब्राउन नज़र आ रहा है लेकिन ये पर्पल का ही डार्क शेड है। इसको हम अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। फिर हम एक प्रिसाइज ब्रश लेंगे और इसको इनवर्डली हम लोग इसी तरह से ब्लेंड कर देंगे। इससे क्या होगा, आपकी आई के अंदर बड़ी अच्छी सी डेप्थ आ जाएगी। फिर मैं ये पर्पल शेड के अंदर शिमर ले रही हूँ और इसको मैं अपनी लिड पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर दूंगी। फिर मैं लूँगी ये ग्लिटर शेड, ये बहुत ही अच्छा सा गोल्डन, लाइट गोल्डन सा शेड है और इसको मैं अपनी लिड पे डैब 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 करके फिंगर के साथ अप्लाई कर दूंगी। शिमर्स और ग्लिटर्स जितने अच्छे फिंगर के साथ अप्लाई होते हैं ना, उतने किसी चीज़ के साथ अप्लाई नहीं होते। ब्रश के साथ तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता।
फिर मैं जी एक छोटे से फ्लफी ब्रश पे ये डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल लाइट लाइट सा करके अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर दूंगी। इसको हम लोगों ने ब्लेंड नहीं करना, सिर्फ अप्लाई करना है एक अच्छी सी डेप्थ देने के लिए। फिर मैं एक बिल्कुल नीट वाला फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, इससे हम अच्छे तरीके से अपने पिगमेंट को ऊपर की तरफ को ब्लेंड कर देंगे। फिर मैं एक छोटू से ब्रश पे लूंगी ये वाला शिमरी शेड और इसको मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई करूंगी और इसको मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूंगी। और उसके बाद मैं अपनी जो लोअर लैश लाइन है उस पर सेम यही वाले शेड जो लाइट पर्पल है और एक डार्क पर्पल है, इन दोनों को मिक्स करके अपनी लोअर लैश लाइन को अच्छे से डिफाइन कर दूंगी। फिर बारी आती है लैशेज अप्लाई करने की। लैशेज मैं यूज़ करूंगी रिदा जैन की इन शेड स्टेला और बहुत ही अच्छी लैशेज हैं, अप्लाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं। क्रिस्टीन की मैंने ग्लू अप्लाई की और सेंटर में लैशेज को रखा, पहले आउटर कॉर्नर को चिपकाया फिर इनर कॉर्नर को चिपकाया। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आईलाइनर। मिस रोज़ का आईलाइनर है, बहुत अच्छा है, जेट ब्लैक किस्म का आईलाइनर है, अप्लाई करना बहुत आसान है। लाइनर हम सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, ज़्यादा हम लोगों ने विंग क्रिएट नहीं करना। बाहर की तरफ को एक लाइन लगाएं, फिर उसको अंदर की तरफ को लेके जाएं, अंदर वाला जो पार्ट होगा फिर उसको फिल कर देंगे। दोनों साइड्स पे हम इस तरह से बिल्कुल एक लाइट सा विंग क्रिएट करेंगे। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टोज का ये आईब्रो पैलेट इन शेड 1। इसमें ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्रीम प्रोडक्ट है, इससे मैं अपनी आईब्रोज की बाउंड्री अच्छे तरीके से क्रिएट कर लूँगी। फिल इन मैं इनको अभी नहीं कर रही। आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मिस्टोज का ये ब्राउ फिलर इन शेड 03। अगर आपका जो आईब्रो का कलर है वो मेरे जैसा है तो ये बहुत अच्छा और परफेक्ट शेड है, डार्क ब्राउन से कलर में, बहुत जेट ब्लैक नहीं करता आपकी आईब्रोज को। आईब्रोज को फिल कर दूंगी और उसके बाद मैं इसी के दूसरे साइड पे स्पूली है उससे ब्रश कर दूंगी अच्छे तरीके से। फिर आती है जी बारी मस्कारा अप्लाई करने की, ताकि आपकी जो आर्टिफिशियल लैशेज हैं और जो आपकी अपनी लैशेज हैं वो आपस में अच्छे तरीके से मर्ज हो जाएं और फील ना आए कि आपने कोई आर्टिफिशियल लैशेज लगाई हैं। उसके बाद बारी आती है जी ब्लश ऑन अप्लाई करने की। मैं मिस्टोज का ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन शेड 01 और इसके तीनों शेड्स बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर डार्क पिंक है, लाइट पिंक है, पीच है, और आपको पता है कि मुझे ब्लश ऑन अप्लाई करना बहुत पसंद है, तो मैं भर भर के अपनी चीक्स पे अप्लाई करूँगी ब्लश ऑन। और ये वाला जो ब्लश ऑन है ये बहुत अच्छी सी शिमरी सी लुक देता है आपके फेस को। और उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर अप्लाई करने की। हाइलाइटर 01 पैलेट का नंबर है और हाइलाइटर हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, मिस्ट लूँगी, ये वाले दोनों शेड्स ब्यूटी ब्लेंडर पे लगाऊंगी और डैब 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 करके हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। इससे ऐसे लगता है जैसे आपकी फाउंडेशन ना बहुत चमक रही है और अंदर से ग्लो आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। नोज़ पे जहाँ जहाँ हाईलाइट करना था मैंने कर दिया। ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ 25 लिप क्रीम है और ये मिक्स करूँगी लिप मैट के साथ। जो लिपस्टिक है, लिप क्रीम है, इसको मैं अपने पूरे लिप्स पे अप्लाई करूँगी। फिर मैं सेंटर में ये लिप मैट अप्लाई करूँगी लाइट शेड के अंदर, इससे बड़ा अच्छा सा लुक आता है आपके लिप्स पे। और उसके बाद मैं अपने मेकअप को सेट करूँगी मिस्टोज के इस मेकअप फिक्सर के साथ। अब हम ज्वेलरी पहनेंगे, थोड़ा बहुत मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी ताकि फ़ाइनल पिक्चर्स मैं ले सकूं। और बस यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल होता है जी ख़त्म, और आगे बहुत ढेर सारी शोखियाँ वोखियाँ होंगी हमेशा की तरह। आई होप यू गाइज लाइक डेट, लव यू, बाय। ये यहाँ पे मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। इस तरह से वेलवेट की शर्ट थी, नेकलाइन पे ये मिरर वाले बटन्स थे और साथ जामावार की पर्पल कलर की कैप्री थी, प्लेन दुपट्टा था विद दीज टसल्स, और ये पहन के कुछ इस तरह का लग रहा था। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।